हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरआरबी पीओ के जो एग्ज़ाम हैं सब सारी शिफ्ट जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। 20 अगस्त और 21 अगस्त को जो है पीओ के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए गए थे और आज पीओ के एग्ज़ाम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और बहुत से कैंडिडेटों का सिर्फ एक ही सवाल आता है जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी आपकी एग्ज़ाम की और सेफ अटेम्प्ट कितना रह सकता है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं दो चीज़ों पर बात करने वाला हूं और आपके सेफ अटेम्प्ट या फिर आपके कट ऑफ घट या बढ़ सकती है अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होती हैं तो। सेफ अटेम्प्ट तो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, सॉरी, लेकिन आपके सेफ अटेम्प्ट कम वैकेंसी रही तो हो सकता है कि कट ऑफ से कम रहें, लेकिन अगर ज़्यादा वैकेंसी रही तो आपके जो अटेम्प्ट हैं अगर कम अटेम्प्ट हैं तो हो सकता है कि आप क्लियर भी कर जाएं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ जिसका कट ऑफ पर आपका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कट ऑफ पर आपका जो इम्पैक्ट करेगा वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करेगा वैकेंसी। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। 2020 के अंदर जो कट ऑफ थी आपकी वो काफ़ी लो इसलिए गई थी क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ जो हैं रिलीज़ की थी आरआरबी ने, लेकिन 2021 के अंदर इतनी वैकेंसी नहीं थी कंपेयर टू 2020। और अब 2022 के अंदर भी लगभग 2021 के जैसे ही सेम वैकेंसी हैं। अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। हाँ, 100-200-500 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं। पहले 2600 प्लस थी, अब 2700 प्लस हो गई हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वैकेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं तो आपकी कट ऑफ पर जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट। देखिए, सेफ अटेम्प्ट आपके अगर सभी शिफ्टों को देखा जाए तो अगर आपने 55 अटेम्प्ट किए हैं या फिर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं प्लस, तो कहीं ना कहीं आप सेफ कैटेगरी के अंदर हैं। हाँ, लेकिन इनके अंदर आपकी एक्यूरेसी जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी हो या फिर आपकी 95% एक्यूरेसी हो, इतनी एक्यूरेसी से ही आप पीओ के प्री को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर इस आपने कहने को तो 60 प्लस किए हुए हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो है वो 85 है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बैंकिंग के अंदर एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी अभी एक बड़ा आपका जो है इम्पैक्ट करेगा कट ऑफ पर और आपके मार्क्स पर। तो इस वजह से आपकी एक्यूरेसी बैंकिंग लेवल में ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं, सेफ अटेम्प्ट की बात हो चुकी है, अगर कैटेगरी से सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी कैटेगरी के हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 55 या 55 प्लस ही सेफ अटेम्प्ट मानने हैं। और एससी की अगर बात करते हैं तो अगर आपने 48 प्लस सवालों को अटेम्प्ट किया है और विद हाई एक्यूरेसी तो आप कहीं ना कहीं सेफ कैटेगरी के अंदर हैं। और एसटी के अंदर प्लस माइनस आप एससी में से ही 2 या 3 कर सकते हैं सेफ अटेम्प्ट मानिए। वहीं अगर आप बात करते हैं कट ऑफ रेंज आपकी क्या रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ रेंज मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है लेकिन रेंज बताना एनालाइज करके आसान काम है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं गलत डाटा दे देते हैं, इसलिए आपकी रेंज बताना एक सूटेबल होता है भले कंपेयर टू एक्यूरेट कट ऑफ के। तो अगर मैं यूआर की बात करता हूँ तो यूआर की आपकी जो कट ऑफ है वो 53 से 56 के बीच में जा सकती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वैकेंसी पर डिपेंड करेगा, ये कट ऑफ कम भी हो सकती है और ये कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है और इतनी भी रह सकती है। ओबीसी की अगर मैं
बात करता हूँ तो 51 से 54 आपके जो हैं नंबर मार्क्स बनने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ एससी या फिर एसटी की, तो एससी के अंदर आपके 48 से 51 के बीच बन जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ कैटेगरी की तरफ सेफ जा रहे हैं। और एसटी की अगर बात करता हूँ तो 44 से आपका 47 या फिर 48 तक आप सेफ। नॉर्मलाइजेशन जो है आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है लास्ट कट ऑफ पर, क्योंकि उसमें जो शिफ्ट हैं, जैसे कि आप 20 अगस्त की शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, सारी शिफ्ट के बारे में, तो जो 20 अगस्त की थर्ड शिफ्ट है वो ईजीएस्ट शिफ्ट थी कंपेयर टू बाकी के। तो इसके अंदर कैंडिडेट ने 60+ जो हैं इजीली अटेम्प्ट कर दिए थे। लेकिन अगर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट की बात की जाए, सेकंड शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था उसके अंदर मैथ, लेकिन थर्ड शिफ्ट को इजी माना जा रहा है इनके कंपैरिजन के अंदर। और इसी प्रकार से 21 और अगस्त में भी एक शिफ्ट आपकी इजी थी, बाकी कंपेयर टू थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। तो जिस तरीके से आपकी शिफ्ट इजी थी या टफ थी, तो आपको उसका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो है ज़रूर मिलेगा। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स और कट ऑफ वगैरह जो मैंने इसमें बताई हैं वो आप समझ चुके होंगे और फैक्ट भी समझ चुके होंगे कि कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और इतना भी जा सकती है, वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।